अच्छा ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो हम आज यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, कल तो हमने ऐसे ही बस देख लिया था चीजें, पर सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में टॉपिक हमको दे रखा है थिंकर्स, मतलब विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक, सोशल थिंकर्स। तो वो वाली यूनिट तो हमारी चली रही है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी यूनिट की, मनोवृत्ति। मतलब हमारे पास जो सिलेबस दे रखा है या जो टॉपिक दे रखा है उसमें हमने बात की किसके बारे में, कि हमारे पास में जो एक आएगा क्वेश्चन 20 नंबर का और 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, और अपने पास 5 नंबर वाले कितने आएंगे 2। इसका मतलब 2-2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे 5, 10 नंबर। 5 नंबर वाले कितने आएंगे 2, मतलब 10 और 1 20, तो 40, मतलब एक यूनिट 40 नंबर की है। तो आज हम दूसरी यूनिट चालू कर रहे हैं और दूसरी यूनिट का जो सिलेबस अगर डिस्कस करें तो वहां सीधे-सीधे लिखा है मनोवृत्ति, आपको पढ़ के आना है। मनोवृत्ति मतलब हो जाएगा एटीट्यूड। आगे क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट मतलब विषय वस्तु आपको पढ़ के जानी है। तत्व मतलब आपको उसके एलिमेंट्स पढ़ना है। प्रकार्य दैट मींस फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का आपको तत्व पढ़ना है, विषय वस्तु पढ़ना है और उसके प्रकार्य पढ़ना है कि कौन कौन सी इसकी विषय वस्तु है। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु की बात करेंगे। अगला दे रखा मनोवृत्ति परिवर्तन। अब आपने एटीट्यूड समझ लिया तो आपको एटीट्यूड चेंज पढ़ना है, एटीट्यूड को चेंज कैसे करोगे। अगला दे रखा पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, प्रबोधन संप्रेषण। तो आपको उसके बाद देखना है कि प्रबोधन संप्रेषण क्या होता है, क्योंकि एक टूल है जो इसमें काम आता है एटीट्यूड में, एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज करने में। अगला आता पूर्वाग्रह और विभेद, दैट मींस प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, और वो अपने को देखना है। आगे भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे यहाँ रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यही है, पर दूसरी जगह भी, अमेरिका में भी है, सब जगह, हमको भारत के संदर्भ में। अगला दे रखा है एप्टीट्यूड। अभी हमने क्या बोला एटीट्यूड, अब हम क्या पढ़ेंगे एप्टीट्यूड, दैट मींस अभिक्षमता और लोक सेवक हेतु आधारभूत योग्यताएं, मतलब कौन कौन सी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। पहला दे रखा सत्यनिष्ठा अर्थात इंटीग्रिटी, दूसरा दे रखा निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आ रहा है कहां है इंग्लिश में, हाँ इम्पार्शलिटी। उसके बाद में आ जाएगा असमर्थक वादिता, नॉन पार्टीजनशिप होगा इसका। इसके बाद में आ जाएगा वस्तुनिष्ठता, दैट मींस ऑब्जेक्टिविटी। इसके बाद में आएगा लोक सेवा के प्रति समर्पण, मतलब आप लोक सेवा के प्रति, आधे लोग तो समर्पित नहीं है, इसीलिए सिलेबस में डाला है कि लोक सेवा के प्रति आपको समर्पित रहना। कोरोना टाइम पीरियड पे क्या काम था पुलिस का, समर्पित होकर काम करना। कोरोना टाइम पीरियड पे आईएएस का क्या काम था, डीसी का क्या काम था, तहसीलदार का क्या, सब लोगों के यही तो काम थे। अगर यही काम थे तो समर्पित था कि नहीं था व्यक्ति, सुबह से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये देखना पड़ता, या डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है, लोगों को लट मार रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजें समझने वाली बात थी, है ना। अब इसमें आता है सामाजिक बुद्धि, दैट मींस हमारे पास जो आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी पे उन्होंने बोला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के आना और उसका यूटिलिटी देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन में सामाजिक बुद्धि का क्या महत्व है। अगला दे रखा उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसका मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ध्यान देना ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, और उसमें सबसे पहला टॉपिक उन्होंने दे रखा है एटीट्यूड, दूसरा दे रखा है एप्टीट्यूड, तीसरा दे रखा हमारे पास में क्या सामाजिक बुद्धि, और चौथा दे रखा क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आज हम जो कहानी स्टार्ट करेंगे वो मनोवृत्ति की। लास्ट टाइम पे 20 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, हाइडिंगर एंड फेस्टिंगर की थ्योरी। तो जब मनोवृत्ति खत्म होगा तो हम लास्ट में उसको देखेंगे। अब समझना सबसे पहले मनोवृत्ति जो है एटीट्यूड जो है, अगर हम बात करें तो पहले तो उनकी एक परिभाषा पता होना चाहिए, लेकिन पहले गांव की भाषा में समझे तो ये ना तो घमंड है, ना ये ईगो है, ना ये अहंकार है। तो सर क्या है, ना ईगो है, ना घमंड है, ना अहंकार है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास में क्या किसी मनोवैज्ञानिक विषय, दैट मींस किसी भी साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट के प्रति, अगर आप उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में खड़े हो, या तो उसके फेवर में हो या उसके फेवर में नहीं हो, तो यही सकारात्मक और नकारात्मक भाव की तीव्रता मनोवृत्ति है। दैट मींस अगर आपको थेला महिला पसंद है
तो थेला महिला के प्रति आप क्या हो? आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, और अगर आपको थेला महिला पसंद नहीं है तो आपका एटीट्यूड कैसा है? निगेटिव है। दैट मीन्स आपने क्या कर लिया, किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय, अब मनोवैज्ञानिक विषय क्या है सर? अरे आप गुलाब जामुन खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, अमिताभ बच्चन पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मोदी जी पसंद आ रहे हैं, राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं, ये सब के सब आपके लिए साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इन्हीं के प्रति आप अपनी क्या बनाओगे, धारणा। आप कॉन्सेप्ट बनाने का काम करोगे इन्हीं के प्रति, और जब आप कॉन्सेप्ट बनाओगे तो या तो आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ख्याल आएगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बोलूं, क्या थेला महिला आपको पसंद है? नहीं तो पसंद नहीं पसंद है ना, तो मध्यम मार्ग को अपनाने वाले भगवान बुद्ध को थेला महिला पसंद नहीं है। आप कुछ भी कर ले तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। अगर आप चार दोस्तों के साथ बैठे हैं तो वही आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो एटीट्यूड नहीं है, वो आपका ओपिनियन है, वो आपका मत है। मत फट से चेंज हो जाएगा लेकिन एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो इनमें सब में डिफरेंस है, वो सब भी हम देखेंगे कि मत क्या होता है, विश्वास बिलीफ वगैरह क्या है, सारी चीजें। तो अभी एटीट्यूड क्या हो गया, या तो आप किसी साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट के अपोज में होंगे या उसके फेवर में होंगे। तो अगर आप अपोज में हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड, और उसके फेवर में हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड। दैट मींस किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में नकारात्मक या सकारात्मक भाव की तीव्रता ही क्या कहलाती है, मनोवृत्ति कहलाती है। अब जो अपने पास में मनोवृत्ति के तत्व क्या है, इसके घटक क्या है, तो मनोवृत्ति के तीन तत्व है, तीन घटक है, तीन एलिमेंट है। There are three elements of attitude. कौन-कौन से हैं? CAB. हम लोग क्या बोलते हैं इसको? CAB model. या तो इसको component बोल लो, या इसको घटक बोल लो, या इसको तत्व बोल लो, एक ही बात है। CAB मतलब cognitive element, affective element और behavioral element. That means हमारे पास सबसे पहले आएगा cognitive, affective और behavioral. अब cognitive मतलब होता है संज्ञानात्मक तत्व। कॉग्निटिव एलिमेंट मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक तत्व। दूसरा हमारे पास अफेक्टिव मतलब हो जाएगा क्या, भावात्मक, और बिहेवियरल मतलब हो जाएगा क्रियात्मक या व्यवहारात्मक। अब सांप वाला एग्जांपल अगर ले, सबसे इजी सांप वाला एग्जांपल होता है, सांप को आपने देखा, आप डर गए और आप भागने लगे, पर आप डर के भागे क्यों? तो इसका मतलब हमारे पास में मनोवृत्ति बनी है हमारे पहले से, क्या कि भैया आपने सांप को देखा तो आपको पहले से जानकारी है कि अगर सांप आपके पास से गुजर रहा है तो वो आपको क्या कर सकता है, डस सकता है। दैट मींस आपके दिमाग में क्या आया, भय, और भय की भावना की वजह से आपके दिमाग में क्या आया, डर। तो ये हमारा अफेक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। एग्जांपल आप मन से कुछ भी ले सकते हैं, और आपने भागना स्टार्ट कर दिया तो ये हो गया क्रियात्मक। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है तंबाकू से कर्क रोग होता है, तो आपको जानकारी है, जानकारी है, दैट मींस संज्ञानात्मक घटक। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थॉट या नॉलेज। आपको संज्ञान का मतलब क्या है, विचार या ज्ञान, पहले से जानकारी होना। अगर कोई व्यक्ति ये मोबाइल खरीद रहा होगा तो पहले से उसको किसी चीज की जानकारी होगी, तभी तो उसने खरीदा होगा। और जब ये घर पे आएगा तो वो इसका पूरा उड़ा खोलेगा और उसके ऊपर क्या कर देगा, ये वीडियो बना देगा, और वीडियो बना के डाल देगा स्टेटस पे, एप्पल का आईफोन का, एप्पल का ही होता ना, हाँ आईफोन लिया है। उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव, उसको लग रहा भैया एकदम चोड़ के चल रहा है, सीना तान के चल रहा है, एप्पल का आईफोन ले लिया। अरे भाई उसको किसी चीज की जानकारी थी कि ये अच्छा होगा, कि उसके मन में भाव आया कि ये तो सेवफल जैसा दिखता है, इसको चलाने से बिल्कुल एकदम मक्खन जैसा चलेगा, और उसने क्रियात्मक, इधर से कोई बच्चा आया उसने फोड़ दिया उसको, चले खत्म कहानी एप्पल। अब उसका जो एटीट्यूड है वो निकल के आएगा बाहर उस बच्चे के प्रति, क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, जानकारी है इस बात की कि ये भाई महंगा मोबाइल था, इसको तोड़ा क्यों तुमने, तो प्रेरणा या अभिप्रेरणा आती है बाहर। इसको एक और समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, और एक व्यक्ति भूखा है, अब यहाँ प्रेरणा अभिप्रेरणा कब मिलेगी उसको, कहीं से वो जा रहा तीन दिन से भूखा है, तो क्या ढूंढेगा, होटल ढूंढेगा, तो उसके मन में अभिप्रेरणा आ रही कि नहीं, प्रेरणा आ रही कि नहीं, तो मोटिवेशन। आपका जो एटीट्यूड होता है वही चीजें आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करने का काम करता है। कई सारे प्रशासनिक एटीट्यूड पढ़ाया क्यों जा रहा है, कई सारे प्रशासनिक अधिकारी का एटीट्यूड जो है, जो अपने पास में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है, या किसान जो है, अनुसूचित जाति दलित जाति, इनके प्रति कैसा होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। वही एटीट्यूड चेंज करने के लिए सिलेबस में डाला गया है कि आपको जो जानकारी है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने ये सोच लिया, कई सारे लोगों का एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, हमारा एक दोस्त है, उसका कलर बहुत ज्यादा फेड है,
मतलब अपन जो बोले कि गेहूं का रंग बोलते भारत में, कई बार बेचारा इस बात से पीड़ित होता है कि यार मेरे रंग को देखकर मेरा मत जाइएगा, मैं जो हूँ जनरल कैटेगरी से आता हूँ। तो आपने जो एटीट्यूड बनाया वो पूर्वाग्रह की वजह से बनाया, प्री जुडाइस की वजह से बनाया। आपके सामने गोरी मैडम आ रही है और आपने सोच लिया कि मैं विभूति नारायण हूँ, है ना? तो आप समझे कि भैया आपका पहला एटीट्यूड जो डेवलप हुआ आपने सीधे, लेकिन आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा फट से। एटीट्यूड हमेशा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको मुश्किल से बदला जा सकता है। हम सबका एटीट्यूड गोरे और जो क्रीम, इतना सारा क्रीम बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? इसी वजह से बिक रहा है क्योंकि हमारा एटीट्यूड बना दिया गया है कि जो सबसे गोरा है वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार गोरे गोरे लड़ लेते हैं, दिक्कत होती है कि नहीं? घर में बहुत परेशानी आती है, इसीलिए घर वाले बोलते हैं कि केवल रंग मत देखना, जाओ तो थोड़ा कला भी देख लेना, और अगर कला देख लोगे तो घर सुखी रहेगा, नहीं तो अन्यथा क्या होगा। अभी एक महिला बीच में अभी गन से मार दिया उसके किसको, है ना? हाँ, अब क्या घटना अपने को एक्सैक्टली पता नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए अपने को मीडिया ट्रायल नहीं करना। तो भावात्मक घटक आएगा अपने मन में और फिर क्रियात्मक व्यवहार करने का काम करेंगे। एक सोनू सूद का एग्जाम्पल डाल सकते, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डालेंगे, पर्यावरण वाले एग्जाम्पल डालेंगे, गांधी जी वाले डालेंगे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जो मन पड़े वो डालो आप, भगवान बुद्ध का डालो, महावीर स्वामी का डालो। अरे पर्यावरण के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि हमको पहले से जानकारी है कि अगर पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा, पेड़ को काटने से क्लाइमेट क्या होगा, चेंज होगा। और क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारे मन में भाव आएगा किसका, डर का, क्योंकि हमारी आने वाली संतानें सांस नहीं ले पाएंगी, और अगर सांस नहीं ले पाएंगी तो हम लोग रिएक्शन एक्शन करेंगे और हम पेड़ पौधे लगाएंगे। अगर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो हमारा काम रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सी ए भी मॉडल होगा ही होगा, सी ए दोनों हो सकते हैं, मतलब कॉग्निटिव होगा और अफेक्टिव होगा, लेकिन बिहेवियरात्मक नहीं होगा, क्रियात्मक नहीं होगा। किसी को जानकारी है कि पेड़ पौधे काटने की वजह से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बट बावजूद उसके भाव डराया मन में, बावजूद उसके पेड़ नहीं लगाया, एक्शन नहीं किया, जरूरी नहीं है कि तीनों एलिमेंट हो, लेकिन तीनों एलिमेंट की संभावना जब होती है तो एटीट्यूड पूरी तरीके से स्ट्रांग होता है। अब कहीं चले जाओ, किसी का एटीट्यूड मुसलमानों के प्रति कैसा होगा, नकारात्मक होगा। कोरोना टाइम पीरियड पे इंदौर की घटना को देखकर कई सारे लोगों का एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग हो गया था, पत्थर से डॉक्टर को मारा था, लेकिन हमको सच्चाई का पता नहीं होता तो हम मीडिया ट्रायल करने लग जाते, इसलिए हमको मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। अभी बीच में खान सर ने जो स्टेटमेंट दिया था तो कितने वायरल हो गए थे, मीडिया तक ने बताया था, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हमारे स्कूल में पहले क्या था, चार जो कमरे थे उसी में पढ़ाया जाता था, हमको कई बार क्या कहा गया, हम सबको कहा गया था पढ़ ले बेटा, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, पान की घुमटी डालना पड़ेगी, नहीं पढ़ेगा तो ठेला चलाना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट हमारे जमाने में दिया जाता था, पर हमको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, हमारे माता पिता को मास्टर बोले एक डंडा हमारी तरफ से भी देना इसको अगर ये नहीं पढ़े तो, क्योंकि ठस हमारे यहाँ ठस है ना। अरे इंदौर में जाओ आप, लाल बत्ती के सामने आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन देवास में दुर्र करके उड़ जाता है, कहीं फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जहां पर आपको मार पड़ेगी ना वहां आप सुधरोगे। तो ये समझ में आया एटीट्यूड आपको, और एटीट्यूड जो अपने को तीन एलिमेंट पे काम करता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। ये इसमें आप एग्जांपल अपने मन से डालिए, जो आपको पसंद आए वो डालिए। मनोवृत्ति के प्रकार, या तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नेगेटिव होगा, या फिर जो हमारे पास में क्या होगा, न्यूट्रल है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों हो सकता है। अब सकारात्मक मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, अनुकूल, फेवरेबल। यदि आपको गुलाब जामुन खाना पसंद है, जो कि बचपन से आपके दिमाग में है, तो जब भी आप, जैसे हमारे बचपन में ऐसे ही होता था, हमारे पिताजी ने हमारे आदत डाल दी गुलाब जामुन, तो हम पहले पत्रिका देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं कि पत्रिका में क्या है, सही साठ मामला जमेगा नहीं, कई बार धोखा भी खा जाते थे हम। तो आपकी सकारात्मक प्रवृत्ति मतलब उसके लिए आप फेवरेबल कंडीशन में हो, तो ये सकारात्मक एटीट्यूड लेके आएगा। लेकिन अगर मान लो आपको दिखा के पत्रिका में गुलाब जामुन, तो नहीं है यार, मतलब नहीं है, दम वाली बात नहीं है, गुलाब जामुन बनने की संभावना कम है। तो आपने बोला यार प्रतिकूल प्रवृत्ति, मतलब आपने नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर दिया। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको लेके आपका एटीट्यूड कैसा हो गया, नेगेटिव। बोलो जल्दी से, होगा कि नहीं होगा, है ना? तो मनोवृत्ति क्या होता है, किसी भी वस्तु विचार के प्रति आप अनुकूल है, फेवरेबल है तो पॉजिटिव, और अगर आप प्रतिकूल है तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ भी हो सकती है, चल के तो देखते हैं यार,
कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो मनोवृत्ति जो हमारे पास में पॉजिटिव, नेगेटिव और वैलिष्ट तीनों टाइप की हो सकती है। बात है मनोवृत्ति की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है अर्जित गुण, दैट मींस ये एक्वायर्ड है, अर्जित गुण है। तो आपको उदाहरण अपने मन से डालना, ध्यान रखिएगा। अर्जित गुण है का मतलब ये, एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आप दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जो आपकी लाइफ में चल रहा है उससे सीखते हो। और याद रखिएगा मनोवृत्ति जो बनती है वो बचपन से लेके आपके जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें तो बचपन से जो आपके दिमाग में मनोवृत्ति डाल दी गई है उसको बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पहली तो क्वालिटी होती है कि ये जन्मजात नहीं है, सीमित जन्मजात है। तो सीमित जन्मजात होने के साथ अर्जित गुण है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अर्जित गुण है। कई सारे बच्चों के दिमाग में जो पत्थरबाजी जैसे आप कहीं जाओ उसको सिखा दो, अरे आप अफगानिस्तान में जो आतंकवाद है या कहीं पाकिस्तान वगैरह में, क्या उसको आप बदल पाओगे? किसी आतंकवादी की सोच बदल पाओगे क्या? आप नहीं बदल पाओगे। इसका मतलब वो अर्जित गुण, उसने अर्जित कर लिया है वो, लेकिन उसको परिवर्तन करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो अर्जित गुण है का कोई भी आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से डालेंगे। जैसे आपने एक अर्जित करने का गुण किया है, क्या साफ सफाई वाला, स्वच्छता वाला, ये हमारा अर्जित गुण है। हमारा एटीट्यूड स्वच्छता के प्रति कैसा है? सकारात्मक है। यहाँ बैठा कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि यार हफ्ते भर नहीं नहाऊंगा तो चल जाएगा। मतलब स्वच्छता के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है? सकारात्मक। तो अर्जित गुण है। और यही एग्जाम्पल डालना आपको, कौन सा वाला? भाई मोदी जी ने जो एग्जाम अपने पास चलाया 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, ऐसे करके आप एग्जाम्पल डालेंगे तो मजा आएगा। तो अर्जित गुण है क्योंकि आपने पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। बचपन से हमको सिखाया गया ना पूजा पाठ करने का काम, तो भगवान के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ आप ये डालेंगे एग्जाम्पल। अगला हमारे पास लोचकता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ना तो बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा स्थायी, और ना ही बहुत ज्यादा क्या है, अस्थायी। इसका मतलब इसमें चेंज किया जा सकता है, समय के साथ मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जो है, जो मैं अपना बताता हूँ कि मेरा एटीट्यूड जो है, आपने देखा होगा सपना चौधरी एक डांसर है ना, इसके अलावा एक और व्यक्ति है अपने, ये जो विवेक बिंद्रा वर्सेस जो चल रहे हैं, संदीप माहेश्वरी जी। मैंने अपनी लाइफ में कभी संदीप माहेश्वरी जी का जो है मोटिवेशनल वीडियो कभी नहीं देखा। एक्चुअली मैंने किसी का भी नहीं देखा मोटिवेशनल वीडियो। तो मेरा मोटिवेशन के प्रति एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि मुझे लगता है कर्म जो है सबसे बड़ा काम करता है। मोटिवेशन का अफीम चाटने से क्या होता है, हम लोग निठल्ले हो जाते हैं। पर अभी जब उन्होंने विवेक बिंद्रा वर्सेस करा था तो मुझे लगा कि हाँ यार व्यक्ति अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। सपना चौधरी अभी लल्लन टॉप का कुछ इंटरव्यू देने गए थे, तो हमारे गांव में सपना चौधरी बहुत फेमस है, पर मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव था कि डांसर है ये वो। जब उन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल बताई चीजें, तो मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा क्या हुआ, आप जानते कि नहीं, पहले तो बताओ सपना चौधरी को, सब लोग जानते हैं ना। तो मेरा एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ। लल्लन टॉप पे एक वीडियो डाला है जब उन्होंने बातचीत बताई कि वो कैसे इस तरीके के डांसर बने, तो थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो गया। इसी तरीके से जैसे कई लोगों का विवेक बिंद्रा के प्रति एटीट्यूड बना होगा, हालांकि अभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं है क्योंकि वो तो ओपिनियन में कन्वर्ट है, अभी चेंज कर देंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर विवेक बिंद्रा 3 इंच चीट निकल के आ गए, तो ये ओपिनियन हो जाएगा, मत हो जाएगा। आज हम संदीप माहेश्वरी कर, कल हम विवेक बिंद्रा करेंगे, तो इसका मतलब हमारा ये ओपिनियन, ये एटीट्यूड नहीं है। लेकिन कई सारे एटीट्यूड ऐसे होते हैं जिनको चेंज करना आसान भी होता है, कई सारे मुश्किल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर किसी बच्चे को बार बार ठूस दी गई हो बातें, जैसे सिमरन के दिमाग में बहुत सारी बातें डाल दी गई थी कि भैया आपको क्या करना है, बाहर जाना है, मास्टर को चेक करके आना है, उसको 395 आर्टिकल आते हैं कि नहीं आते, एग्जाम में आ ही नहीं रहे, बच्चे को सिखा दिया 5 आर्टिकल, टीचर से पूछ के आना, उसका एटीट्यूड बन गया, और वो कभी टीचर से दूसरे दिन आके मिल भी नहीं रहा है। साल 5 साल बाद उसको पता चलेगा कि यार ये तो एग्जाम में आता ही नहीं था, ये तो हमारे दिमाग में किसी ने ठूस दिया था। जो जानकारी मिली थी, जो संज्ञानात्मक तत्व था हमारे पास में, ये हमारे पास जो कॉग्निटिव एलिमेंट था, ये हमको गलत बता दिया। छोटे मास्टर भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बड़ी बड़ी होल्डिंग जो कोचिंग डाल दी गई है, छोटी जगह गए नहीं हम, तो हमारा एटीट्यूड कैसा हो गया, उसके प्रति नेगेटिव हो गया। तो फ्लेक्सिबल होता है एटीट्यूड, जब आपके मिलेंगे आप, जब उस आदमी से मिलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला है प्रेरणात्मक, हमेशा मोटिवेशन रहेगा, चाहे वो नेगेटिव मोटिवेशन हो चाहे पॉजिटिव हो, तो मोटिवेशन हमेशा रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे सर मोटिवेशन? अगर बच्चों को होमवर्क दिया अपना,
और अगर उनको चॉकलेट दे दी अपन ने तो मोटिवेशन आएगा उनके अंदर कि अपने को होमवर्क करना चाहिए। अगर मान लो कोई आतंकवादी है तो उसके अंदर मोटिवेशन कैसा रहता है किसी को मारना, लेकिन कोई एक प्रशासनिक अधिकारी है तो मोटिवेशन, तो जिसे प्रेरणा। अब कुछ ये जो लिखा है इससे लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे उदाहरण से, एग्जाम्पल डालने से। मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक तत्व मौजूद होता है या उसमें प्रेरणात्मकता होती है, मोटिवेशनल होती है। सर मोटिवेशनल होती है किसी का एग्जाम्पल डाल देंगे, कोरोना टाइम पीरियड पे सेवा भाव करने वाला जो मोटिवेशन था किसका, सोनू सूद का। तो ये चीजें होती है, अपने को ध्यान रखना। और सबका एटीट्यूड सोनू सूद के प्रति कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन बाद में ऑफर आया बीजेपी ज्वाइन कर लो और जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया आम आदमी भी नहीं ज्वाइन करूं बीजेपी। जैसे ही उन्होंने बोला बीजेपी ज्वाइन नहीं करना है, उनके घर पर छापा खुलवा दिया था कि नहीं। अब मान लो कई लोगों का क्या होगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो वहां एटीट्यूड स्ट्रांग नहीं था, वो चेंज हो गया। अगला हमारे पास में स्थाई होती है। जनरली एटीट्यूड जो होता है जो बचपन में बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्थाई होते हैं। अभी मैं आपसे में से किसी को भी ये बोलूं कि किसी के माता पिता कितने भी बेकार क्यों ना हो, वैसे माता पिता बेकार नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चों के मन में भाव डाल दिए जाते हैं बाहर से। कई सारे होते हैं कि डांटते हैं तो ऐसा लगता है मन में कि हमारे पिताजी बहुत डांटते हैं, बेकार है ये वो। कई सारे माता जी डांटती है, पर बावजूद उसके अगर उनसे ये बोलोगे कि ये अपने माता पिता को गाली दो ये वो सब करो, तो करेगा क्या बच्चा, नहीं करेगा। दैट मींस क्या हुआ, उसका स्ट्रॉन्ग कैसा है, एटीट्यूड स्थाई है कि ये हमसे बड़े हैं और बड़ों का आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी रिलीजियस को मानने वाले भगवान को जो मानते हैं उसका अपन एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं क्या, लेकिन आप जनजाति में जाओगे, जनजाति में जब जाके आप पैसा दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जंगल में है, जानकारी का अभाव है। पर वर्कशिप चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको आपने कन्वर्ट तो कर दिया, उसको आपने किसी भी धर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो पूजा तो उन्हीं की करता ना, बड़ा देव की है ना? या जो अपने पास में साल वृक्ष में दूल्हा दे, इसका मतलब ये है कि कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो मानसिक तौर पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब उनका एटीट्यूड आप चेंज नहीं कर। एटीट्यूड चेंज करना मतलब कल को आप ले गए उनसे बोले आप जैसी वर्कशिप करते वैसी मत करिए, तो स्थायित्वता होती है। सीमित जन्मजात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीमित जन्मजात क्यों होती है, भूख प्यास साथ ही साथ पसंद नापसंद जो हमारे माता पिता की जो होती है वो हमें इनबिल्ट हो जाती है कई बार। जैसे मेरा एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो रहा है, हमारी माता जी का जो एटीट्यूड है मेरा एटीट्यूड भी उन्हीं पे चला गया। बाद में मैं पिताजी से बहुत दूर रहता था, बाद में मेरा एटीट्यूड थोड़ा समझ आया कि हमारे पिताजी बहुत मस्त मोला हड़पन मोला व्यक्ति है, हमारी माता जी बहुत गुस्सा करती है और मैं भी बहुत गुस्सा करता हूँ। एटीट्यूड मेरे अंदर जो आ गया है किस वजह से आया, माता जी की वजह से। हमारी माता जी बहुत बचत कर करके चलती है, मेरे अंदर भी आ गया। मेरे को बाद में समझ में आया कि मैं एक छोटी छोटी चीज खरीदने के लिए भी क्या अंदर से बहुत सोचता हूँ। हमारे पिताजी बोले भाई चारवाक दर्शन वाला है ना, यावत जीवते सुखम जीवते, और वो वाला उनका कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर पैसा नहीं है तो उधार लेकर घी पियो। मुझे बाद में समझ में आया कि ऐसा क्यों है, इससे क्या हुआ, क्या थोड़ा कमाने की ओर भी प्रेरित हो गए, कर्जा अर्जा कर लिया उधर। कई बार बोलते हैं कि जितनी चादर उतने फेर फैलाना चाहिए, तो हमने माता जी का एक गुण ले लिया हमारे अंदर, उसकी वजह से मैं जो है अपनी लाइफ थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर पाया। हमारे बड़े भैया अभी कल बीजासन माता मंदिर गए और मैं जा ही नहीं पाया, आज तक मैं महाकाल मंदिर नहीं गया, केलादी मंदिर नहीं गया पास में, इस डर से कि कहीं 2-5 रुपए चढ़ाना पड़ जाए भगवान को। तो ये एटीट्यूड मेरा बाद में चेंज हुआ जब मैं पिताजी को देखा कि उनको आधे घंटे पहले किसी ने कुछ बोला उसको उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, आधे घंटे बाद तो भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। तो सीमित जन्मजात मतलब वहां से देखा हमने, या अर्जित गुण होता था, माता पिता से अर्जित कर लेते हैं, परिवार से अर्जित कर लेते हैं, स्कूल से अर्जित कर लेते हैं, तो एटीट्यूड समय के हिसाब से चेंज भी होगा। तो हालांकि धीरे धीरे मैंने थोड़ा माता जी से पिताजी की ओर झुकाव करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करूँ। हमारे पिताजी मस्त मोला, माताजी थोड़ा गुस्सा करते हैं। अभी अच्छा है वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो क्या होंगे, सुन लेते अगर तो 15 दिन तक मेरे से बात नहीं करते। अगला हमारे पास में सीएबी मॉडल, तीन एलिमेंट मौजूद है, कॉग्निटिव अफेक्टिव। बिना जानकारी के आपका एटीट्यूड नहीं बनेगा, जानकारी नहीं होगी तो एटीट्यूड कैसे बनाओगे। आतंकवादी बेकार होते हैं, अगर आपको जानकारी है तभी तो आपको एटीट्यूड बनेगा कैसा, निगेटिव उनके प्रति। अगला है व्यक्ति वस्तु संबंध, वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई किसका एटीट्यूड किस परिवेश में रहा, कैसे रहा, उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। विषय वस्तु संबंध, वो सब्जेक्ट के साथ में काम करेगा,
दिशा निर्देशन डायरेक्शन होगा ही होगा इसमें एटीट्यूड में, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है या निगेटिव डायरेक्शन हो सकता है। पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि इसमें मोटिवेशन है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ लेके चले हैं तो आपका डायरेक्शन होगा हमेशा। अगला हमारे पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, क्या तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। राहुल गांधी के प्रति आप सबका एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव सबका। बोले यार फर्जी आदमी, ऐसा आप लोग सोचते हैं, जबकि ये वाक्य विचार है। कई लोग बोलते हैं क्या पप्पू मोदी, हाँ पप्पू हूँ, खुद ही बोल रहे हैं संसद में, क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं पप्पू हूँ। तो उस वजह से जो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं एटीट्यूड उनका क्या बन गया, पप्पू आदमी बोले, खुद ही स्वीकार कर रहा है, तो ये गड़बड़ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बड़े नेता है हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। मोदी जी के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा हो गया, पॉजिटिव। राम मंदिर बनवा दिए मोदी जी ने, 370 हटा दिया, तो अपना एटीट्यूड कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो खैर कोई बात नहीं, दोनों बड़े नेता हैं, अपने को मोदी जी को पसंद है तो मोदी जी, और वो पसंद हो तो वो। अब आते हैं निर्माण, है ना, कि भाई इसकी विशेषता तो हमने देख ली, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो एटीट्यूड का फॉर्मेशन सबसे पहले आते हैं हम प्रत्यक्ष अनुभव। व्यक्ति विशेष जो भी अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ में देखता है, जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उस बेसिस पर क्या बनता है, उनका एटीट्यूड बनता है। सर कैसे? भारत पाकिस्तान की घटना जो हुई है, उस टाइम पीरियड पे जिन लोगों ने वो दर्द झेला होगा, उसके हिसाब से उनका एटीट्यूड डेवलप होगा। आपने आलिया भट्ट की एक मूवी देखी होगी शायद, हाईवे वगैरह कुछ करके है, उनके साथ में उनके चाचा माँ चाचा या कोई मामा रहते हैं, जाति करने का काम करते हैं, तो उनका एटीट्यूड बन गया किसके प्रति, इनके प्रति, मामा चाचा के प्रति, कि भैया ये बेकार लोग होते हैं। जैसे आजकल बच्चों को सिखाया जाता है ना गुड टच क्या होता है, बेड टच क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि गुड टच क्या और बेड टच क्या होता है। तो लड़कियों को सिखाया जाता है कि बेड टच क्या है, गुड टच क्या है। तो कई सारे लोग जो है एटीट्यूड किससे फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट जो अपने पास एक्सपीरियंस है। इसमें आप उज्जैन की घटना डालो, इसमें आप मणिपुर हिंसा की घटना डालो, तो एटीट्यूड जो फॉर्मेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मणिपुर हिंसा में जिन लोगों के साथ में हिंसा हुआ है, एक मिनट रुकना, इसको बंद कर देना, तो ये जबरदस्ती का दिन भर बचते रहता नहीं, तो आपका जो एटीट्यूड है, आपने डायरेक्ट देखा क्या मणिपुर हिंसा, थोड़े दिन में आपका कुछ नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में बातें बैठी रहेंगी, नक्सलवादी क्यों बन रहे थे लोग, क्या समस्या थी, इसी वजह से तो दिक्कत आ रही है, क्या जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है उसी वजह से। तो चीजें अपने को समझ में आई। अगला हमारे पास में पुरस्कार या दंड। जिस चीज को करने से आपको पुरस्कार मिलता है उसके प्रति आपका सकारात्मक मनोवृत्ति, और जिस चीज को करने से आपको दंड मिलता है उसके प्रति आप नकारात्मक हो जाओगे। जिससे अभी मनन, एक दिन आस पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे अंकल जी बिगाड़ने वाले, तो उसको बोले घर पे कटता है क्या, वो आके बस बोले पापा उनका अंकल बता रहे थे घर पे कटता है क्या, भारी यार। और एक इधर पड़ोस में वो थोड़े ऐसे ही है, वो भी पिताजी से बोल रहे हैं, वो भी, मैं सोचूं यार ये क्या हो रहा है, अपन ने तो कभी नहीं कर रहे हैं घर पे ये सब चीजें, बता नहीं रहे। यही बात उसको डेली सिखाई जाए अगर, तो उसका एटीट्यूड बन जाएगा, बोले ये इसका मतलब क्या है, तो मुर्गा कटने की बात कर रहे हैं वो, तो उसके दिमाग में बात बैठ दी। तो हमने बोला यार चलो ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि वो गाली दिया घर में, और मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है। तो अगर वो इन सब के बीच में रहेगा तो उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, कल को वो 10 साल का 5 साल का लात मार के भाग जाएगा, बोले ये कौन है, इनको पहचानता नहीं हुआ यार। तो हमने उसको सबसे पहले दो थप्पड़ दिए खींच के। अभी यहाँ पर बोलेंगे हिंसा कर रहे हैं सर आप, अरे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप डांट के काम नहीं चला सकते, तो अगर उसको दंड मिला तो अब वो भय के मारे क्या है, वो ज्यादा नहीं है उधर से, उन्होंने बोला ऐसे तो वो इधर मुंह कर लेता, बोले ये चीज से क्या होता है, ये बोला गया इसका मतलब यहाँ से अपने को मार पड़ेगी, तो जहाँ दंड मिला उस चीज के प्रति उसका क्या हो गया, नकारात्मक। तो हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाओं में ये सारी चीजें हो रही है, तो दिन प्रतिदिन की घटना जो हो रही है, तो अब उसके प्रति क्या हो गया, उसका नेगेटिव। लेकिन जहां हमने उसको बोला कि भाई तू 50 कैपिटल बता दे तो हम तेरे को क्या करेंगे, साइकिल दिलवा देंगे, तो उसका एटीट्यूड कैसा हो गया, पॉजिटिव। उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव काम किया जाएगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, और पुरस्कार मिलेगा तो मेरा एटीट्यूड। इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ट लगाना चाहिए, और टेस्ट लगाओगे तो आपको नंबर ज्यादा आएंगे, और नंबर ज्यादा आएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो आपको समझ में आएगा हमारा एटीट्यूड पीएससी के प्रति पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर आपको नंबर नहीं मिले तो आपको लगेगा यार नेगेटिव। तो ये अपने को ध्यान रखना। अगला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। एटीट्यूड जो बनता है वो ऑब्जर्वेशन की वजह से भी बनता है।
कई सारे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अगर सही गलत में हम फर्क कर पा रहे हैं तो एटीट्यूड हमारा फॉर्मेशन हो पा रहा है। अभी एमपीपीएससी 5-5 सालों में रिजल्ट दे रहा है, तो कई सारे लोगों का एमपीपीएससी के प्रति ऑब्जर्वेशन करने के बाद एटीट्यूड कैसा हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो नेगेटिव क्यों हो चुका है ऐसा, लेकिन जिन बच्चों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है वो दुख उनके लिए भी काम आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन से भी क्या होता है एटीट्यूड बनता है। अगला हमारे पास में आता है समूह संबंधन, ग्रुप अफिलिएशन, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इधर लिखा हुआ है ग्रुप अफिलिएशन की अगर हम लोग बात करें, अब इसमें ग्रुप अफिलिएशन का मतलब है अभी जैसे आप मेरे साथ हो और मैं आपके साथ हूं तो ये भी एक ग्रुप है, आप परिवार के साथ हो ये भी एक ग्रुप है, आप स्कूल के साथ हो ये भी एक ग्रुप है, आप माता पिता के साथ हो ये भी एक ग्रुप है, समाज के साथ, तो अपन इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले भाई क्या होता है, तो पहली बात तो समूह संबंधन होता क्या, तीन प्रकार के समूह संबंध होते हैं, ग्रुप की बात कर रहा है सीधे ग्रुप अफिलिएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह मतलब प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं इसमें सदस्यों की संख्या सामान्यतः कम होती है, हमेशा क्या होगा प्राइमरी ग्रुप होंगे जिसमें सदस्यों की संख्या कम होगी, इसमें आपका जिगरी दोस्त हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, तो घनिष्ठ संबंध होंगे, अनौपचारिक अनऑफिशियल आपके रिलेशन होते हैं, अनऑफिशियल मतलब जैसे अभी आप क्लास में आते हैं तो आप औपचारिकता निभाते हैं, सर मैं कबीन, लेकिन जैसे आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो टूट पड़ते हो गले कंबल कुटाई, लेकिन आप मास्टर के यहाँ आ रहे तो केक वेक लेके आते हो तो सम्मान से, लेकिन किसी का केक लेके आते हो तो उसके मुंह पे डाल देते हो तो वो एकदम जिगरी हो गया आपका, उससे आपके डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, जैसे परिवार हो गया, खिलाड़ियों का कोई समूह हो सकता है उसमें, तो आप 11 लोगों की टीम है, लेकिन 11 लोगों की टीम में जडेजा के साथ किसकी बन रही है, ये धोनी की बन रही है, अश्विन के साथ किसकी बन रही है, धोनी की बन रही है, रैना के साथ किसकी बन रही है, धोनी की बन रही है, इसका मतलब उनका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा आपके ऊपर। अगला आता है द्वितीयक समूह, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें क्या होगा औपचारिक संबंध होंगे, टीचर के साथ स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है, आप किसी एनसीसी ग्रुप में हैं, किसी भी ग्रुप में मन आप जो है वो स्काउट गाइड क्या बोलते हैं उसको, एनसीसी में आएगा ना स्काउट गाइड, एक अलग होता तो एनसीसी हो गया, एनसीसी के जितने लोग हैं वो लंबा चौड़ा ग्रुप है, वहीं के लोग हैं, उन लोगों का एटीट्यूड आपके अंदर भी क्या आएगा आएगा, वहां के लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा बिहेव आप करने लग जाएंगे। अगला हमारे पास में संदर्भ समूह, जिसके साथ व्यक्ति आत्मीकरण कर लेता है, देखो चाहे वो उसका सदस्य हो या ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे अपन तीन एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठेला महिला को देख करके एक महिला वो उसकी सदस्य नहीं है, वो उसकी सदस्य नहीं है, लेकिन उसमें आत्मसात कर लिया उसने, अक्षय कुमार को देखो और उसको देखने के बाद आदमी क्या बनेगा उसके जैसा बने, शक्तिमान थक 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 करके चलेगा वो, तो शक्तिमान की तरह आदमी क्या करेगा गोल गोल घूमेगा उड़ेगा, तो इसका मतलब वो समूह का सदस्य नहीं है। संदर्भ समूह मतलब ग्रुप अफिलिएशन, जो अपने रेफरेंस ग्रुप, सॉरी तीसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है, रेफरेंस ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप का मतलब जिस समूह का वो सदस्य नहीं है बावजूद उससे वो मोटिवेट होकर क्या कर रहा है वो चीजें अपना रहा है, जैसे एक विद्यार्थी डॉक्टर के समूह को अपना संदर्भ समूह मान लेगा चाहे वो उसका सदस्य हो या ना हो। प्रियंका चोपड़ा को देख के कई सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, किरण बेदी जी को देख के लोग मोटिवेट हो जाएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव वाला डालना हमेशा, जो आपकी डे टू डे लाइफ, अमिताभ बच्चन है ना, तो डालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, कहीं लोग जो है दरवाजा बंद अभियान विद्या पालन, तो आपको क्या करना दूसरे लोगों से देख के जब सीखेंगे, होता है ऐसा आप में से कोई ऐसा है जो किसी को पसंद करता है, जैसे आपको लगता है कि यार ये तो हमारे ग्रुप का सदस्य नहीं है, बावजूद उसके जो चीजें हैं वो आप क्या कर रहे हो एटीट्यूड अपनाने के काम करते हो। कई लोग अपना नाम बराक ओबामा रखते हैं, टेलीग्राम पे तो ऐसे ही से नाम मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे नाम मिलेंगे आपको जो है त्रिकाल देव, ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं, तो वो उस ग्रुप के सदस्य न होने के बावजूद भी उनका नाम रख दिए हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है, समझ में आया। पुरस्कार की वजह से आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति बनेगी और दंड की वजह से आपकी नकारात्मक मनोवृत्ति बनेगी, समझ में आया। आगे देखते हैं और क्या है, और कौन कौन से निर्माण, व्यक्तिगत अनुभव आपने देखा, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में अपने पास दो चीजें काम करती है, एक अपने पास क्या आता है परिवार, सोशल फैक्टर में एक अपने पास क्या आता है परिवार, है ना, तो सामाजिक कारक में घर और परिवार, घर परिवार में जैसा माहौल वैसा एटीट्यूड, तो हाउस और फैमिली की जब हम बात करेंगे तो हमारे घर में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे एक थोड़ी देर के लिए आदत बात कर लेते हैं, आदत पे बात कर लेते हैं, कई लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद थाली में हाथ धो देते हैं, कई लोगों की होती है थाली में खाना खाने के बाद उसको रख देते पूरा साफ करके और उसके बाद नल में हाथ धो देते, कितने ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के बाद थाली में हाथ धो लेते हैं, सब है ना ऐसे,
कितने लोग आप नहीं धोते, बाद में धोते, आप भी बाद में धोते, तीन लोग बाद में धोते और तीन लोग उसमें। इसमें आपकी गलती नहीं है, हमने जो देखा हमने वो सीखा तो हमने घर में देखा, इन लोगों ने घर में नहीं देखा। अब मैंने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, थोड़ी देर के लिए आदत थी, वो आदत ही है वो, तो एक हिसाब से देख, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विषय की बात करेंगे ना यहाँ पर, तो वो हमारी आदत हो गई, पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, वैसे एटीट्यूड भी बदला जा सकता है। तो घर और परिवार में अगर मान लो सकारात्मक माहौल होगा तो आपका एटीट्यूड बनेगा सकारात्मक। एक घर में, हमारे घर में जैसे हमारे पिताजी गाँव में रहते थे, तो हमारे पिताजी गाँव में रहते थे, तो जो दलित जाति है उनका घर गांव से बाहर होता था, उसको बोलते थे पेले पार, उसको क्या कहते थे पेले पार, तो पेले पार आ जाना, पेले पार आ जाना मतलब गांव जब इंटर हो रहा है उसके पहले या तो एक नदी बह रही है या एक पुल बना हुआ है, अगर कुछ नहीं बना है तो कुछ लोगों को डिस्टेंस पे रखना है। अब उसमें क्या होता था कि गांव में दलित जाति के साथ छुआछूत भेदभाव का व्यवहार किया जाता था, तो हमारे दादाजी उनकी जो एक्टिविटी हमारे पिताजी में, गांव में दलित जाति का व्यक्ति थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था उस जमाने में। आजकल तो क्या हमारे पास में संविधान ने हमको क्या दे रखी है, इजाजत दे रखी है हर चीज की। तो कई हमारे घर में क्या हुआ, बचपन में गांव से कोई व्यक्ति आया तो बाहर ही खड़ा रहता था, शहर में आ गए पिताजी, वहां से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, तो घर में भी बुलाया तो घर में नहीं आए, तो इतना जो है। तो हमारे पिताजी सब बोले ये घर में क्यों नहीं आ रहे, बोले ये सम्मान करते हैं, लेकिन बाद में जब हम पढ़ने लगे टीचर ने हमको बताया सम्मान नहीं है, ये दबाव था, तो हमारे पिताजी और हमारे पिताजी का चेंज हो गया, हमारा पिताजी का एटीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन माताजी आज भी ऐसा ही एटीट्यूड रखे। कारण एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा घर के एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, कई लोग बोलते हैं यार अपने माता पिता की बुराई कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, नहीं माता पिता की बुराई अच्छा नहीं, किसी और के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले खुद पे उंगलियां उठाओ तो ज्यादा बेटर है। तो चीजें चेंज, हमारे पिताजी का एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया। अब कोई गांव से घर आता है तो अंदर बैठता है, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मुझसे क्या करने लग जाए, ये बेकार मास्टर आदमी है, दमन वाली बात नहीं है, ये अनुसूचित जाति को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कई सारे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे थोड़ा सा आजकल थोड़ा वो रहते हैं, है ना, क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, ये सब चीजें तो लंबी कहानी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। फिर हमारे पास में घर हो गया, परिवार हो गया, तो घर में जैसा माहौल परिवार में जैसा माहौल, लेकिन एटीट्यूड अपने को ध्यान रखना है कि जब भी एग्जांपल डालोगे घर परिवार का, अगर घर में पर्यावरणीय शिक्षा दी जा रही है तो एटीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, तो करण जौहर और कंगना जिसका कौन सा अकाउंट है ट्विटर पर, कू एकमात्र महिला जिसका अकाउंट है कू के ऊपर, तो ये ध्यान रखना। अगला है सूचना संप्रेषण, इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके मन में एटीट्यूड बनेगा। मोदी जी ने इन्फॉर्मेशन दी क्या स्वच्छता अभियान, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली। लिंगानुपात, हमारे घर पे सेक्स रेशो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मतलब हमारे भारत में सेक्स रेशो बढ़ रहा है, बढ़ेगा कैसे, इन्फॉर्मेशन से। आपको मीडिया से कुछ सूचना मिली, अगर जानकारी गलत है तो एटीट्यूड नेगेटिव, और अगर जानकारी सही है तो एटीट्यूड पॉजिटिव। अगर हमको पर्यावरणीय शिक्षा दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव। उज्जैन की घटना, मणिपुर हिंसा, और जो अपने पास में ये मोरवी पुल घटना, बहुत सारी ऐसी घटना जो आपके सामने आ रही है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है सही, तो आपका एटीट्यूड कैसा बनेगा। नेता लोगों के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव एटीट्यूड है, महाचोर आदमी है सब लोग, भ्रष्टाचारी लोग है। तो राज इंदौर जी ने एक शेर लिखा था कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं बोला पुलिस वाले पकड़ के ले गए उनको। अब बोले यार क्यों पकड़ा, तो बोले आपने कल रात बयान दिया था मुशायरे में कि सरकार चोर है, तो उन्होंने बोला कि मैंने कब कहा कि भारत की सरकार चोर है, बोले आपको नहीं पता कि कहां की सरकार चोर है, तो समझ इशारा डाल दिया उन्होंने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको सूचना मिल रही है। अगला है व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत कारक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है, दो तरीके का कारक काम करेंगे, एक हमारे पास काम करेगा शारीरिक वृद्धि और विकास, इसका मतलब फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो व्यक्ति क्या क्रिकेट के प्रति अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख पाएगा, नहीं रख पाता। तो फिजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, शारीरिक वृद्धि बहुत ज्यादा काम करेगी, लेकिन दूसरा है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो कई सारे लोग जो है, अब अगर आप बोलोगे द ग्रेट खली को अब शतरंज की बाजी खेलो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन एटीट्यूड डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसका।
अगर मैं किसी से बोलूं एक दिव्यांग व्यक्ति है, इसमें एग्जांपल जनरली इस टाइप के ज्यादा चलते हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति है, किसी वजह से उनका पैर जो है टूटा हुआ है या कुछ और भी हो सकता है, तो क्या वो रनिंग के प्रति अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। जिसका फिजिकल फैक्टर काम कर रहा है तो फिजिकल के प्रति कैसा एटीट्यूड रखेगा? पॉजिटिव रखेगा। मेरे जैसा आदमी जिम कभी नहीं जाए, क्यों लोड मेरे को लगता है क्या करेंगे जिम जाके, सब नश्वर है, सब क्षण मंगूर है, गौतम बुद्ध को पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग में आधी बातें ऐसी बैठ गई, कोई मतलब वाली दम वाली बात नहीं है, पढ़ा पढ़ा के आदत में ऐसी कचवा गया, सब तो क्षण मंगूर है, करे क्यों जा रहे हैं, दिमाग ऐसा लगता है, तो मेरा एटीट्यूड कैसा हो जाएगा? जिम के प्रति नेगेटिव रहेगा हमेशा, और मेरे बच्चे में भी वही एटीट्यूड डाल दूंगा, तो कुछ मत कर यार, तू सब क्षण भंगुर है, जो हम कर रहे हैं तेरे लिए जी उसमें जितना जानना है। लेकिन अगर वो संगीत की शिक्षा ले ले, जैसे मेरा संगीत के प्रति थोड़ा सा कैसा है कि यार मैं सीख नहीं पाया, तो बच्चे को सिखा देंगे, तो हम बार बार कोशिश ये करते हैं। डांस के प्रति मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड है कि भाई यार डांस होना जरूरी है, और मैं तो मटकी नाच लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं आता, तो एकमात्र डांस है कि यार कुछ नहीं आया तो मटकी नाच लो, और मैंने सोचा यार इसको सिखा देंगे, तो थोड़ा पियानो आनो मैं लिया यार, पियानो गाना सीख लिया मैंने, तुम ही हो मेरी जिंदगी, एक गाना सीख पाया बस, वो दिन भर उसी को बजाते रहता हूँ, इसको सिखा देंगे कुछ। एटीट्यूड यहाँ पर किसकी बात आ रही? बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। घर परिवार में अगर बा अगर अपन एग्जांपल ले, सचिन तेंदुलकर के बेटे का अर्जुन तेंदुलकर का महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, लेकिन फिर भी एटीट्यूड डेवलप कर पाए क्या? वैसा नहीं कर पाए, तो शायद हो सकता है उनका किसी और फील्ड में था इंटरेस्ट, लेकिन उनको शायद हो सकता है दबाव भी बना दिया गया, कुछ कर दिया गया, एटीट्यूड अब उनके देखेंगे तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए पाए जाते हैं कई बार, नाक में उंगली उंगली डाल के फिर और ये सब काम करते रहते हैं, तो ऐसे भी उनके काम हुए, तो बौद्धिक भी काम करेगा, है ना? देखा है कि नहीं देखा सचिन तेंदुलकर को? क्या नाम है सर अपना, ये क्या नाम है? हाँ, उद्दीपक कारक, ये भूल छूट गया, उद्दीपक कारक को बोलते हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंग्लिश में उद्दीपक कारक का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अगर इसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर उद्दीपक, उद्दीपक मतलब उत्तेजना पैदा कर देगा आदमी के अंदर, उद्दीपक मतलब उसको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। आप इसको ऐसे समझो, ये सबसे ज्यादा काम करता है एडवर्टाइजमेंट में। अगर आपको साबुन का एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो किससे करवाओगे? जो पहले से गोरी में मुंह उसी से करवाओगे, है कि नहीं? तो यही साबुन का एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो ये क्या कर रहा है? उद्दीपक कारक के तौर पर एडवर्टाइजमेंट में काम आता है, मतलब किसी व्यक्ति को बार 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 एक ही चीज दिखाकर उसका एटीट्यूड चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल वो पिच पिच वाला डेटोल साबुन जो है, उसमें क्या निकाल दिया? वो अपना पिच पिच निकाल दिया। पहले लोग गाँव में क्या करते थे? साबुन बोले ये धो लिया हाथ, लेकिन आज की तारीख में छी गंदा है ऐसा करते हैं, और खास करके महिला है तो क्या करेगी? अरे बहुत पुअर है यार, ये सब चीजें मुझे जमती नहीं, पसंद नहीं। लेकिन एटीट्यूड चेंज किसने किया? इसके पहले वही महिला हाथ धो रही थी किस चीज से? साबुन से। आज उसको वही साबुन बेकार लग रही, वही महिला जो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, आज इस चेंज हुआ, लोगों का एटीट्यूड चेंज कर दिया किसने? स्टिमुलेटिंग फैक्टर ने। ट्रॉपिकाना स्लाइस कौन? कैटरीना की एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो ये एडवर्टाइजमेंट उद्दीपक स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मतलब किसी तटस्थ व्यक्ति को बार 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 क्या करना आपको? उत्तेजना, मतलब आप बार बार एक ही चीज को दोहराओगे तो क्या होगा? जैसे आपके सामने एक नोट्स करके आता है, बार बार एडवर्टाइजमेंट चालू करते नोट्स नोट्स एक आता है नोट्स करके डैश नोट्स करके बार बार आपको दिखाया जा रहा है, कई सारे लोगों ने खरीद लिया डैश नोट्स करके, नाम नहीं ले रहा हूं नहीं तो आप समझ जाएंगे, डैश नोट्स करके कई सारे लोगों ने खरीद लिया। क्योंकि बार 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 उद्दीपक का काम किया, बार बार उद्दीपक का काम किया, नोट्स खरीदे, बाद में देखा गड़बड़ हाल आया मामला, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? एटीट्यूड फिर से नेगेटिव होने का। लेकिन आपको एटीट्यूड चेंज कर दिया, आजकल एडवर्टाइजमेंट जो है आपका एटीट्यूड चेंज ज्यादा कर रहे हैं, तो आप एग्जांपल डालते हैं डेटोल वाला बढ़िया पिच पिच वाला वो वाला ना, तो वो सही रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और प्रियंका चोपड़ा और कोई एडवर्टाइजमेंट करवाना है, जैसे वो बाबा रामदेव का वो क्या है, कौन सा चवनप्राश खाता ना, क्या वो जो करता पहलवानी, क्या नाम था उसका? घी घी, बाबा रामदेव का घी। अरे जब ये पहलवानी कर रहा था तो बाबा रामदेव आए नहीं थे, जब उसने पहलवानी करी थी तब तो देसी घी खा रहा था, लेकिन जब वो पहलवान बन गया उसके बाद में एडवर्टाइज किसका कर रहा? बाबा रामदेव का। लोग डब्बा खरीद रहे हैं बाबा रामदेव के घी का, जबकि घर पे खुद का देसी, उसके घर पे गाय भैंस बहुत सारी थी, लेकिन समस्या ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट बाबा रामदेव का कर दिया। अरे कुछ तो पहले खेल लिया वो, तो ये क्या है? उद्दीपक कारक, मतलब आपका एटीट्यूड ही चेंज कर दिया पूरा, बाबा रामदेव का घी खाने
खाने से क्या होता है, शक्ति आती है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। ये चीज है, अपने को ध्यान रखना। और डाल सकते हैं इसमें एग्जांपल, जो है क्या, एक और एक दो एग्जांपल किसका, अपने अमिताभ बच्चन जी का, कौन सा दरवाजे वाला अभियान वाला डाल दो, ये बार 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 दिखाया जा रहा है आपको। अरे वो घूंघट वाला एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं, जिसमें वो जो है लेट बात वाला विद्या बालन वाला है कोई है, बहू को घूंघट तो खुले में ले जाओगे क्या उनको सोच करने के लिए, सोच बदलो। तो ये उद्दीपक कारक है, ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो आपकी मनोवृत्ति को क्या बदल देगा। आज की तारीख में कोई भी महिला, अभी आप किसी देवास में महिला को बोलो कि घर में लेट बात नहीं है, शादी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, भगा देंगे, भाग यहाँ से निकल। ठीक है, तो अगला ये अपन देखते हैं। अब इसमें ये तीन आज बहुत है क्या, सर से ऊपर है क्या? अरे यार ये तीन बजे थे, क्लासिकल कंडीशनिंग वाला और ये, चलो कोई बात नहीं, कल करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन क्लास में जो ये सब चीजें चल रही है, कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, सर ये वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा, ये समझ में नहीं आया, तो हम लोग जो है वापस से समझा देंगे, कल वापस रिविजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।